कुछ चीजें मैं लाया था वो। अरे आज तुम इतनी जल्दी आ गए, ये क्या इतना सारा सामान? ये देखो, ये अम्मा के लिए है, और ये तुम्हारी दीदी के लिए है। अच्छा है ना दीदी? और ये मिठू के लिए है, एक किताब भी है कविता लिखने के लिए। और मेरे लिए कुछ नहीं? हाँ है ना, वो ये ना, ये चूड़ियाँ ले जाओ। मैं हाँ ले जाओ। ये पसंद है ना तुम्हें? लो लो रख लो। और हाँ, मैं अपना वादा भी नहीं भूला, तुम जाओ तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शिव मंदिर ले चलता हूँ। जाओ ना तैयार हो जाओ। क्यों, शिव मंदिर जाना है ना तुम्हें? हाँ, जाना तो था। फिर कोई मन्नत भी तो मांगनी थी ना तुम्हें? तुम्ही को मांगना था भगवान से, मिठू के लिए। मिठू, मिठू, मैं तुम्ही बता दो, मेरी मन्नत पूरी होगी या नहीं? और अगर मैंने तुमको मांग लिया, हम दोनों की मन्नत कैसे पूरी होगी? क्योंकि मिठू के बारे में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हाँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल आया है मुझे, तुम कहो तो मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर अगर मैं चली गई तो तुम जानते हो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मैं इंतजार करूं? नहीं, वापस आओ। नहीं आओ बेशक, लेकिन लेकिन मेरे लिए नहीं।
मेरी कविता नहीं देना तुम्हें, लिख के रखना। जब यहां से गुजरूंगा तो ले जाऊंगा। अच्छे बच्चों की तरह घर में रहना, बाहर ज्यादा घूमना फिरना मत। फिर कब आओगे? जरूर आऊंगा, तेरी शादी जो करानी है आना तो पड़ेगा। मैंने अपना पता मिठू की किताब में लिख दिया है, अगर जरूरत समझो तो बुला लेना। अम्मा को मेरा प्रणाम देना, चाहता हूं। और पानी ले आओ, पानी ले आओ। यार वीरू, ये लाइट को चेक करवा लेना, सुसली बार बार ऑफ हो जाती है। अच्छा, और गुरु रात यहीं रुकना कि निकल लेना है? तड़के तड़के चलते हैं, कल रात भी बड़ी लंबी खींची थी। अच्छा, अरे गेरू, अरे इधर ही आ जाना यार। आता हूँ यार, हाथ तो धो लूँ। वही बीरपुर का चक्कर और क्या है यार, तेरा ये बीरपुर का चक्कर खत्म कब होगा? अरे यार अच्छा है ना, परमानेंट नौकरी लगी हुई है। ओ तेरे की, अबे साले कभी तो सोडा या पानी डाला कर, हमेशा कोरी पीता है। अरे पानी पिए साले मेंढक, जो काम दो ग्लास पीने से होता है उसके लिए चार ग्लास क्यों पिए जाए? पेट फुलाना है क्या? अरे सुन, गेरू के लिए भी यही ले। और सुन, दाल को अच्छी तरह तड़का मार। अरे तेरी तो दाल की ऐसी तैसी, जा मुर्गा लेके। जी बहुत अच्छा, शाम को दो कटवाए। अच्छा, अरे ग्लास भी लाना, तू शाम से यही है। हाँ यार, ब्रेक लाइनर टूट गया था, बनवा रहा हूँ। अच्छा, फिर सुबह साथ ही चलेंगे। हाँ, अपना प्रोग्राम तो फिट है। तो वो क्या, साथ वाले गांव में नौटंकी आई है, देखने चले। कहाँ चले जा रहे हो? मैं चिंकी से मिलना चाहता हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। आप सिर्फ उसे जाकर कह दीजिए गेरू वाला है, ट्रक वाला, वो समझ जाएगी। मास्टर इस वक्त उनसे कोई नहीं मिल सकता, हमारे मैनेजर का हुक्म है। तो फिर आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए। मैं हूँ मैनेजर। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस वक्त उससे कोई नहीं मिल सकता, तुम जाओ। लेकिन देखिए मैं उसे अच्छे, क्या है तुम उठ जाओ, क्या कहना है जल्दी कहो। चिंकी मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम यहां नौटंकी में कैसे आ गई? क्यों, क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी माँ भी नौटंकी में थी? जानता हूं, ये भी जानता हूं उसने तुम्हें इस काम से बचाने के लिए कैसे कैसे दिन काटे थे, कैसे मर मर के। मरती ही तो रही, जी तो नहीं और ना हमें जीने दिया। अम्मा के लिए ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर वो नहीं जी तो सिर्फ तुम बहनों के लिए नहीं जी, वो अगर मरती रही तो सिर्फ इसलिए कि इस खोखली हमदर्दी की जरूरत नहीं। ये मुंह दिखावे के शब्द बहुत सुन लिए मैंने, जब से होश संभाला है यही तो सुनती आ रही हूं। पता नहीं क्यों तुमसे उम्मीद हो गई थी, पर तुम भी तो वही निकले। तुमने कौन सा उपकार किया हम पर? घर के लिए दाल ले आए, आलू ले आए, प्याज ले आए, बस हो गया। मैंने ढीठ होकर तुमसे कहा था निमकी से शादी कर लो, और कैसे कहती, क्या तुम्हारे पांव पड़ती? लेकिन
मैंने तो कहा था निमकी से कि मैं... और वो रोती रही, वो रोती रही और कहती रही मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बहनों के लिए कुर्बान हो जाऊंगी, यही ना? अम्मा भी तो यही करती रही, हम सब कुर्बानी ही देते रहे एक दूसरे के लिए, और चिया कोई भी नहीं, सड़ने गलने के लिए, मरने के लिए। इसलिए तुम... हाँ, मैं भाग आई वहां से, अम्मा की तरह खुरच खुरच कर नहीं सांस लेनी थी, निमकी की तरह नहीं मरना था मुझे। क्या हुआ निमकी को? वो कैसी है? वो बहुत चिंता है उसकी, इन 3 सालों में कितनी बार खबर ली है उसकी। चिंकी, मैं अपना पता छोड़ आया था, 2 साल लगातार मैं अपने गांव जाता रहा, यही सोच करके कोई खबर आएगी, कोई चिट्ठी आएगी, लेकिन अरे बेटा पोशाक बदल ले, पहली घंटी तो हो भी गई। तुम ही मिले थे ना उस रात को जुगनी के घर पे। मैं चलती हूँ बापू। तुम ही ने मुझे फिर मिलोगे जुगनी को कि पता नहीं, शायद मिलो। फिर मिलो तो उससे कहना जिंदगी में सुखी वो भी नहीं हुई। सुखी मैं भी नहीं हुआ, लेकिन क्या करता, जिंदगी जहां बीजी थी ना वहीं से तो काटता। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.